जयपुर से हम खबर सामने आ रही है जहां पर सर्दी में नौनिहालों को राहत दी गई है। 3 दिन की स्कूलों की छुट्टियां, कक्षा 1 से 12वीं तक के जो कक्षा है उनके बच्चों को स्कूल से छुट्टी यहां पर दी गई है। जयपुर जिले में 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। कलेक्टर ने यहां पर ये छुट्टी की जो आदेश है वो जारी किए हैं और कलेक्टर अंकल ने बच्चों को सर्दी में ये 3 दिन की राहत दी है, ऐसा बच्चों की तरफ से कहा गया है। सर्दी के सतम को देखते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आदेश जारी किए हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के संचालकों को पाबंद किया गया है और आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नौनिहालों की तरफ से अब कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को आभार भी व्यक्त किया गया है। उनका ये कहना है कि कलेक्टर अंकल की तरफ से छुट्टियां ये 3 दिन की रखी गई हैं और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से लगातार ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं, उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मांग अभिभावकों की तरफ से की जा रही थी कि क्योंकि बेहद जो ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा ठंड हो गई है, अब ऐसे में कलेक्टर की तरफ से नौनिहालों को यह राहत दी गई है। सर्दी का तल्ख मिजाज और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के चलते 6 और 7 जनवरी को हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से पहले से एक आदेश जारी है जिसमें 5 जनवरी तक अवकाश है वो घोषित कर रखे हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार 5 तारीख को ये अवकाश है वो खत्म हो रहे थे, लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बाद में नौनिहालों को यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत दी है और 7 जनवरी तक, यानी कि निजी और सरकारी जो स्कूल है उसमें 7 जनवरी तक अवकाश है वो घोषित रहेगा, यानी और 8 जनवरी का रविवार का अवकाश है। तो ऐसे में 3 दिन की जो छुट्टियां हैं रहेगी, उसके बाद फिर एक रिव्यू होगा। रिव्यू में देखा मौसम विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरह का मौसम रहता है, उसके बाद में आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शिक्षकों और संचालित अन्य जो परीक्षा है वो यथावत रहेगी और यदि इन आदेशों की कोई अवहेलना करता है निजी या राजकीय स्कूल के जो संचालक, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह के आदेश है वो जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज सुबह सुबह निकाले हैं, क्योंकि आज जो शिविरा जो पंचांग के अनुसार जो 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है उसकी जो म्याद है उसकी जो आज खत्म हो रही थी, तो लोगों को इंतजार थे, पेरेंट्स है वो भी थोड़े से चिंतित थे क्योंकि पाला है या कह सकते हैं सर्दी है, सर्दी का सितम और गलन है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में सुबह सुबह स्कूल जाने में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती और रजाई से जल्दी उनको निकलना पड़ता है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने मौसम, सर्दी और गलन इन सभी को देखते हुए 2 दिन का अवकाश घोषित किया है और 8 जनवरी को रविवार का स्वतः अवकाश है, तो 3 दिन का अवकाश रहेगा और 8 जनवरी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा कि सर्दी और मौसम का मिजाज क्या रहता है, उस अनुसार निर्णय आगे लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर जिले में इसके अलावा कल अलवर जिला कलेक्टर ने भी अवकाश घोषित कर दिया है, भरतपुर जिला कलेक्टर ने भी अवकाश घोषित कर दिया है, कई जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वहां पर अपने मौसम विभाग और साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके निर्णय ले रहे हैं और वही निर्णय आज जयपुर जिला कलेक्टर है प्रकाश राजपुरोहित उन्होंने लिया है और आज 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है 2 छुट्टी और रविवार का 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है कलेक्टर की तरफ से। और ऐसे में जो भरी सर्द में नौनिहालों को, जो नन्हे मुन्हे बच्चों को दिक्कतें होने वाली थी उससे थोड़ी राहत मिल गई है। दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड। जो ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं, उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।